हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनोद कुमार आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो सुने। कहानी शुरू होती है, एक पेड़ से पत्ता टूटा और टूटकर उड़ते उड़ते कहीं खेत में जा गिरा। खेत में जाकर जहाँ पत्ता गिरा वहाँ बगल में एक मिट्टी का टुकड़ा था, तो पत्ता और मिट्टी के टुकड़े एक दूसरे के अगल बगल में रहने लगे। एक दूसरे के पास रहने से, जैसा कि अक्सर होता है कि पास रहने से मोहब्बत हो जाती है, उनके बीच में धीरे धीरे दोस्ती हुई, बातचीत होते होते दोस्ती हुई, दोस्ती होते होते दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। दोनों ने प्रेम में एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किए, कसमें खाए कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने अपनी दोस्तियाँ निभाई भी। एक बार की बात है कि आसमान में काले काले बादल छाए, यह देख करके जो मिट्टी का टुकड़ा था वो बड़ा उदास हुआ। उसे लगा कि अब तो हमारा साथ छूटने वाला है, लेकिन पत्ता ने आश्वासन दिया, घबरा मत दोस्त, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो क्या किया, पत्ता की मिट्टी के टुकड़े के ऊपर आके बैठ गया और बारिश से उसको गलने से बचा लिया। इसी तरह से एक बार तेज आंधी आया, लेकिन मिट्टी का टुकड़ा भी अपने वादे का पक्का था। वह उठ करके और जो पत्ता है उस पर आके बैठ गया और उसको उड़ने से उसको दूर जाकर उड़ने से वहाँ से बचा दिया। और इस तरह से उनके बीच में रिश्ता ऐसे हो गया, मानो ने लगने लगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी वो मरते दम तक। उनके बीच का प्रेम और गहरा होता गया, गहरा होता गया। लेकिन ये क्या, अचानक एक दिन तेज आंधी और बारिश दोनों साथ साथ आया और पत्ता उड़ के दूर चला गया, मिट्टी गल गया, दोनों के बीच का संबंध टूट गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि संबंध आप दूसरे के भरोसे नहीं निभा सकते। अगर आपको खुद पे भरोसा ना हो, खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो, तो आप रिश्ते को नहीं निभा सकते। धन्यवाद।